आज हम बनाने जा रहे हैं तोरई की सब्जी। तोरई की सब्जी बनाने के लिए हमने 1 किलो तोरई लिए। अब तोरई को दोनों साइड से कट करके तोरई को छील लेंगे। इसी तरह से हम अपनी सारी तोरई को छील लेंगे। हमने तोरई छील ली है, अब इनको हम छोटे छोटे टुकड़ों में कट करेंगे। हमने अपनी सारी तोरी काट ली है। अब हमने कढ़ाई में तेल गरम कर लिया था, उसमें हम 1 चम्मच अजवाइन डालेंगे। और मैंने कुछ खड़े मसाले लिए हैं, जैसे 2 सूखी लाल मिर्च, 3 तेज पत्ता, 2 लौंग, 2 काली मिर्च, 1 दालचीनी टुकड़े, 1 बड़ी इलायची। अब इन्हें भी हम तड़के में डाल लेंगे और इनको अच्छे से भून लेंगे। अब हमने ग्रेवी बनाने के लिए 2 बड़े टमाटर लिए हैं, 3 से 4 हरी मिर्च लिए हैं। अब हम अपने टमाटर डालेंगे। इनको अच्छे से भून लेंगे। अब इसमें हम 1 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच गरम मसाला, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 2 चम्मच नमक स्वाद अनुसार, 1 चम्मच लाल मिर्च। हमें गैस का फ्लेम मीडियम रखना है, हाई फ्लेम पे ना पकाएं। 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च। अब मसाले को टमाटर में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जाकर नोटिफिकेशन को ऑल कर लें। अब इसमें हम कसूरी मेथी डालेंगे, 1 चम्मच किचन किंग मसाला, 1 चम्मच सब्जी मसाला, 1/2 चम्मच हींग, 1 चम्मच आमचूर पाउडर। इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारे मसाले अच्छे से पक चुके हैं, टमाटर भी गल गया है। अब हमने जो हरी मिर्च काट के रखी थी वो इसमें डाल लेंगे। तीखा आप अपने इच्छा अनुसार डालें। हमने 1 कटोरी दही ली थी, उसको अच्छे से फेंट लेंगे। और दही को अपनी ग्रेवी में डाल लेंगे। दही डालते समय हम अपनी ग्रेवी को साथ के साथ चलाना है और गैस का फ्लेम मीडियम रखना है। अब हमारी ग्रेवी अच्छे से बन चुकी है। अब हमने जो तोरी काट के रखी थी वो उसमें डाल लेंगे। अब ग्रेवी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो इसको ऐसे भी पका सकते हो, पर मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ थोड़ी सी पतली बनाने के लिए। आप इसको सूखी भी बना सकते हो। अब 10 से 15 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। अब हमारी तोरई की सब्जी बन चुकी है। आप इसको आमी की चटनी के साथ एंजॉय कर सकते हो। अगर आपको आमी की चटनी बनानी नहीं आती तो आई बटन पर जाकर चेक कर सकते हो। एक बार आप भी इस तरीके से ज़रूर बनाएं।